मेरे पास आओ। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि जुगनू की माँ जुगनू को कहती है कि जुगनू तुम क्यों परेशान हो, ऐसे क्या वजह है कि तुम किसी से बात भी नहीं करना चाहती और हर वक्त खामोश रहते हो। व्यूअर्स आप देखें कि जुगनू कहेगी कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आज़ाद हो जाऊँ। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है कि आप चाहते हैं कि जुगनू आज़ाद होकर हमज़ा को मिल जाए या आप चाहते हैं कि सोनिया की माँ सोनिया को माफ़ करना चाहिए? अपने राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क की अगली किस्म में आप देखेंगे किन और दानिश की खुफिया मुलाकातें इनके ख़ानदानों को पता चल जाती है, जिसके बाद शदीद टकराव होता है। किंजा की मां नुसरत गुस्से में है और किंजा को ख़ानदान की रवायतों की खिलाफ वर्जी के नतज से खबरदार करती है। दानिश के वालिद अहमद भी इतने ही नाराज़ है और वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने का आज़म करते हैं। वो ऐलान करते हैं कि वो दानिश की शादी अपनी पसंद की लड़की से करेंगे, जिससे दानिश की किंजा के साथ होने की उम्मीदें टूट जाती है। किंजा और दानिश एक साथ रहने के लिए पुरअज़म है और भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इनका मंसूबा इस वक्त नाकाम हो जाता है जब इनके ख़ानदान उन्हें पकड़ लेते हैं। ड्रामाई सूरत हाल में किंजा के वालिद खालिद एक तवील अरसे से छुपी हुई हकीकत का इंकशाफ करते हैं। किंजा और दानिश असल में कज़न्स है, जो इनके ख़ानदानों के नज़र में इनकी मोहब्बत को ममनू बना देता है। किसके अख्ताम किंजा और दानिश के दिल टूट जाने और इनके मोहब्बत को ख़ानदानों के नज़रों में गुनाह करार देने के साथ होता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल SM स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दर्द इश्क की अगली किस्म में आप देखेंगे किंजा और दानिश की खुफिया मुलाकातें इनके